उनका नीड ज्यादा है वहां पे भी हम किसको यूज करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब क्या किया जाता है जैसे आपने देखा होगा हॉट स्प्रिंग ये भी एक तरीके से सोर्स है किसका जियोथर्मल एनर्जी का। वो पानी हमेशा गर्म कैसे है वो हीट एक्सचेंज क्यों नहीं कर रहा क्योंकि जो नीचे की जो हीट है वो उस पानी के अंदर आ रही है ध्यान रखना। इसी तरीके से हम क्या करते हैं नीचे मैक्सिमम जो हाइड्रल डेप्थ है जियोथर्मल की इट इज 3.5 किलोमीटर मतलब नीचे मैक्सिमम हम कितना डीप जाएं जिसके थ्रू हम नीचे के मैग्मा को यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी दैट इज 3.5 किलोमीटर। नीचे 3.5 किलोमीटर तक नीचे पाइप्स इंस्टॉल की जा सकती है उसके ज्यादा आगे नहीं ध्यान रखना। फिर उसमें से जो वाटर मैग्मा है उसको ऊपर निकाला जाता है और उस वाटर मैग्मा में जो गर्मी है हीट है या जो हाई टेम्परेचर है उसको यूटिलाइज किया जाएगा जियोथर्मल पावर प्लांट्स के अंदर पानी को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। इंडिया में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण अगर आप में से कोई हिमाचल प्रदेश गया है तो वहां पे मणिकरण एक प्लेस है जहां पे जियोथर्मल पावर प्लांट है जिसमें किसी तरीके से अंदर की हीट या गर्मी को हम यूज करते हैं टू जनरेट स्टीम और वो स्टीम फिर टर्बाइन को क्या करती है रोटेट करती है। अब इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जब नीचे से मैग्मा आता है तो मिनरल्स कहाँ आते हैं ऊपर तो हॉट माउंटेन मैग्मा के साथ मिनरल्स की भी क्या हो रहा है एनरिचमेंट। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जैसे नीचे से जब वो मैग्मा आ रहा है तो उसके साथ कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज हो रही है सभी को समझ में आया और ग्रीन हाउस गैसेस सभी को पता है टेम्परेचर क्या करेगी इंक्रीज। दूसरा वहां का टेम्परेचर नीचे का बहुत ज्यादा है कई बार 1000 डिग्री सेल्सियस तक इतना ज्यादा टेम्परेचर मुझे नहीं चाहिए तो वहां